बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। आज आपके सामने हज के मसाइल बयान किए जाते हैं, हज का तरीका। तो पहले उमरा का तरीका बयान किया जा चुका है कि इंसान जब उमरा का इरादा करे तो घर से या एयरपोर्ट से या मीकात से एहराम बंद कर जब मक्का शरीफ हाजिर होगा तो सात चक्कर काबतुल्ला के, सात चक्कर सफा मरवा के, इसके बाद हलक करा के उमरा की अदायगी मुकम्मल हो गई, एहराम खोल दे, फिर मक्का मुकर्रमा में ही ठहरा रहे और जब सातवीं ज़िलहज आए तो उस वक़्त दोबारा हज का एहराम बांध ले। इस दरमियान अगर वो और उम्रे करता रहा तो कोई हर्ज नहीं, खा मस्जिद आयशा से कर ले या किसी और मीकात से जाकर। और अगर नंबर आ गया और मदीना तो मुनव्वरा की हाजिरी नसीब हो गई तो ज़हे मुकद्दर बड़ी नसीब की बात है। अब यहाँ इस बात का ख्याल रखे के सातवीं ज़िलहज ज़ोर के बाद एहराम हज का बांध ले या सातवीं और आठवीं की दरमियानी रात। आम तौर पे आज का रिवाज है बसें और एजेंट तैयार होते हैं हुज्जाज किराम को मक्का तुल मुकर्रमा से मिना ले जाने के लिए। तो अब एक यहाँ इंसान हज का एहराम यूं बांधे के हो सके तो काबतुल्ला में आके नफल पढ़ ले, वरना अपने मकान पे ही चादरें बांध कर दो नफल अदा करे। इसके बाद ये नियत करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा व यस्सिर होली व तकब्बल हो मिन्नी। अब यहाँ इसके बाद फौरन तलबिया कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक दफ़ा कहना ज़रूरी है, वाजिब है, इसके बगैर नियत मुकम्मल नहीं होती न हज की न उमरा की। और तीन दफ़ा कह लेना मुस्तहब है। याद रखिए यहाँ जो नवाफिल अदा किए जाएंगे उस वक़्त भी सर से कपड़ा उतार ले और हज की नियत कर ले। मिना में पहुँच जाएगा, मिना में पहुँच कर ज़ोर असर मगरिब इशा और सुबह की नमाज अदा करेगा नवी ज़िलहज को। फिर वहाँ से अरफात जाएगा। बेहतर तो यही है कि अरफात और मिना जाते हुए सूरज के तलू के बाद जाए, लेकिन आजकल वहाँ एजेंट रात के वक्त ही ले जाते हैं तो इजाज़त है, जा सकता है। अरफात पहुँच गया, वहाँ जाकर क्याम करे और वकूफ़ अरफात, ये रुकन हज है। अगर रह गया नमाज हज अदा नहीं होगा। अगर कोई आदमी मरीज या बीमार हो गया, बेहोश भी हो, तो उसको भी दोस्त लेकर किसी सवारी पे एक दफ़ा अरफात से गुजार दें। नवी ज़िलहज को जवाल से लेकर शाम तक वहाँ वकूफ़ होता है। इसमें नमाजें अदा की जाती हैं ज़ोर और असर की। अगर वहाँ मरकजी इमाम के पीछे पड़े तो दोनों इकट्ठी नमाजें अदा करना होंगी, फ़र्ज़ फ़र्ज़ अदा करेंगे, आखिर में सुनते होंगी। और अगर अपने खैमे में नमाज अदा करे तो अपने अपने खैमों में जमात करवाएं तो ज़ोर की नमाज ज़ोर के वक्त में और असर की असर के वक्त में अदा की जाएगी। अगर कोई आदमी इससे पहले मिना पहुंचने से पहले 15 दिन मक्का शरीफ में क़याम कर चुका था, वो चार चार रकातें पड़ेगा। और अगर 15 दिन का क़याम नहीं कर चुका था बल्कि थोड़े दिन मक्का शरीफ में ठहरा फिर मदीना शरीफ चला गया या आया ही लेट था, तो 15 दिन से कम अगर वहाँ क़याम किया है तो अब दो दो रकात कसर की नमाज अदा करेगा।
इसके बाद असर के बाद अल्लाह की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा के दुआएं करे, कोई कसर न छोड़े, रो रो के बारगाह खुदावंदी में अपनी दुआएं करता और इल्तिजाएं करता रहे। इस दिन बेशुमार खल्के खुदा की मगफरत होती है, अल्लाह करीम अपनी मखलूक पे खसूसी करम नवाजी फरमाता है। इसके बाद शाम की जो ही सूरज गुरूब होगा, नमाज अदा नहीं की जाएगी, वहाँ से काफिले रवा दवा होंगे और शाम की नमाज मुजदलफा जाके पढ़ना होगी। शाम और इशा दोनों नमाजें इकट्ठी होंगी और रास्ते में शाम की नमाज अदा नहीं की जाएगी, बल्कि मुजदलफा पहुंचकर पहले शाम की नमाज और फिर इशा की नमाज अदा की जाएगी। इशा के बाद मुजदलफा में ठहरे सुबह वकूफ करने के बाद सुबह की अजान के बाद दुआएं कर ले, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मीना की तरफ चला जाए। यहाँ ठहरना ये वाजिब है, रह गया तो दम होगा, यानी एक कुर्बानी देना होगी। मीना में पहुंच के हो सके तो सामान अपने खेमों में रख ले, वरना चला जाए रमी जिमार करने के लिए। ये आम जुबान में शैतानों को कंकरियां मारना कहा जाता है। तो इस दिन जवाल से पहले एक जमरा को रमी की जाएगी, यानी कंकरियां सात मारी जाएंगी, फिर वापस आ जाए अलग करवा ले, यानी कुर्बानी हो। खुद कर सकता है तो बेहतर है, वरना एजेंट उसको टेलीफोन कर देंगे कि हमने आपकी कुर्बानी बैंक में करवा दी है। जब ये तिला मिल जाए तो इसके बाद हलक करवा ले। अब हज के एहराम की आम पाबंदियां खत्म हो गईं, एहराम हज का खत्म हो गया, इल्ला अज़वाज के इज़दवाजी तल्लुकात अभी नहीं हो सकते जब तक कि आखिरी फर्जी तवाफ ना हो जाए। अब यहां ये दसवीं का दिन है, इस दिन एहराम उसने खोल लिया, हो सके तो उसी दिन अफजल है फर्जी तवाफ मक्का शरीफ में जाके कर ले, अगली रात को कर ले, 11 तारीख को जिलहज को कर ले, 12 को कर ले, 3 दिन इजाजत है। इससे ताखीर होगी तो फिर एक दम देना होगा, यानी कुर्बानी लाजिम होगी। मक्का शरीफ में पहुंचकर 7 चक्कर तवाफ के सादा कपड़ों में हो सकते हैं और इसके बाद सही हज है, ये भी वाजिब है। ये 7 चक्कर फर्ज हैं, यानी रुकन है। तो हज में 2 रुकन हैं, एक अरफात में वकूफ करना और एक ये फर्जी तवाफ करना। इन 2 में से कोई एक भी रह गया हज न हुआ। इस फर्जी तवाफ में 3 दिन तक करना के अंदर अंदर कर लेना वाजिब है, ताखीर होगी तो दम देना होगा। सही इन्हीं 3 दिन में कर ले, अगर कोई उजर हो तो उसमें भी ताखीर हो सकती है और उस पर दम भी नहीं होगा। बाद औकात ज़ईफ लोग नहीं कर सकते सही हज इन 3 दिनों में। इस तरह उसका हज मुकम्मल हुआ, अब वहां ठहरे। अगर पहले मदीना तुल मुनवरा की हाजिरी हो चुकी है तो फाबिया, वरना अब मदीना मुनवरा उसे जाना होगा और अपने प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाजिरी होगी। तो ज़ियारतुन नबी के मसाइल मैं बाद में बयान करूंगा। अब वहां जितने दिन ठहरे तवाफ करता रहे नफली, उमरा करना चाहे तो आफाकी आदमी तो कर सकता है जो बाहर से आया हुआ है। एक उसके जिम्मे वाजिब रह गया कि आखिरी तवाफ जो तवाफ वेदा है, अलविदाई तवाफ, तो जिस दिन आना हो वापस उस दिन कर ले या उसे 1-2 दिन पहले कर ले, तो ये अलविदाई तवाफ है। इसके बाद भी तवाफ करना मुमकिन हो तो नफली भी कर सकता है, फिर वापस आ जाए। तो ये मसाइल हज और तरीक़ हज होगा। अल्लाह करीम शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए इसी